रामनगरी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद मिल्कीपुर का मुकाबला अब और भी ज्यादा कड़ा होता जा रहा है। असल में फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद की खाली की गई हुई इस सीट पर अब उपचुनाव होना है, लेकिन मतदान की तारीख का फिलहाल अब तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। मिल्कीपुर को लेकर बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने कमान अपने हाथों में संभाली हुई है। ये सीट काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। हालात ये है कि अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है और ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक कोई भी प्रत्याशी फाइनल किया गया है। लेकिन इसके बावजूद संभावित नामों की हवा तो उड़ती ही रहती है। भाई चुनाव का दौर है तो वो उड़ेगी ही। बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों के नामों को तो कयास की लिस्ट से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का टिकट एकदम पक्का माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही सपा टिकट देगी, लेकिन अब इस पर भी कुछ संदेह होने लगा है। दरअसल अजीत प्रसाद के खिलाफ अपहरण, मारपीट करने और धमकाने को लेकर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर के बाद जहां एक तरफ अजीत विवादों में गिर गए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार सफाई दी जा रही है, तो बीजेपी ने भी इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है और लगातार वो सपा पर निशाना साध रही है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि अजीत प्रसाद की जगह अखिलेश यादव किसी और को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभी तो सिर्फ बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के उम्मीदवारों के ही नाम सामने आए हैं। मिल्कीपुर जीत पर बीजेपी फैजाबाद लोकसभा सीट की हार का हिसाब पूरा करना चाहती है। जिस तरह हरियाणा से लेकर बिहार तक जातिवाद की राजनीति हावी होती जा रही है, तो वहीं बीजेपी के हिंदुत्व का एजेंडा भी अब कमजोर होने लगा है। लेकिन इसराइल ईरान को युद्ध को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर बहस चल रही है, उससे लगता है कि बीजेपी मिल्कीपुर को बदलापुर बना सकती है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर बहस तो 24 घंटा चलती रहती है। हर कोई अपनी अपनी शिफ्ट में मोर्चा संभालने रहता है। शायद ही कोई ऐसा मसला है जिस पर दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ हमले ना होते हों। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वो अयोध्या की सीट पर विजय हासिल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जब चुनाव परिणाम आए तो पता चला कि उस सीट पर सपा पार्टी जीती है।